देखो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एनालॉजी। इसके थ्री टाइप्स थे। फर्स्ट टाइप था वर्ड एनालॉजी, जो हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, बच्चे है ना वर्ड यस एनालॉजी। सर, सेकंड है बच्चे यस सर, लेटर एनालॉजी और नंबर सर एनालॉजी, ठीक सेकंड है। इज नंबर हाँ जी सर, सेकंड वन इज नंबर। एक ही बात है बच्चे, कोई इशू नहीं है, ठीक बेटा है। वर्ड हम पढ़ चुके थे और आज हम क्या है, लेटर और नंबर दोनों पढ़ेंगे, लेटर ये और बात बताई। नंबर। हाँ मुझे यस सर, तो जैसे नाम से पता है, देखो लेटर में लेटर्स मिलेंगे, जैसे अल्फाबेट्स हो गए, उनका प्लेस मैंने जब आपको लिखवाया था, वो चीजें आएंगी, ठीक है। नंबर में उनके स्क्वायर क्यूब ये बातें सारी आएगी, ओके। हाँ सर ईशान, अल्फाबेट्स वाले। यस हाँ, ये सब सर, आएगी। हाँ ईशानी बोलो बच्चे। सर प्लीज मार्क माय प्रेजेंट टुडे। ओके देखो, ये अभी तीनों टाइप वर्ड हमने पढ़ लिया था, लेटर और नंबर अब पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ अभी सी एम डी एन, सी एम रेशियो डी एन प्रोपोर्शन, टी एफ रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम देखेंगे जो बच्चे, जो रिलेशन सी एम का डी एम के साथ है, वो रिलेशन टी एफ का किसके साथ होगा, ठीक है। अब देखो कुछ भी समझ ना आए तो, जैसे मैंने आपको प्लेस वैल्यू याद करवाई थी ना अल्फाबेट्स की, तो उनके प्लेस वैल्यू लिख लो। कुछ भी समझ ना आए तो, सी का प्लेस कितना होता है, 3, एम का 13, डी 4, एन 14 ना। तो फोर देखो 3, फोर्टी 3 से नेक्स्ट हुआ 3 प्लस 1 4, और 13 प्लस 1 14, दोनों में प्लस 1 कर रखा है, मतलब नेक्स्ट लेटर लिखा हुआ है। या तो आप देखो नेक्स्ट लेटर लिखा हुआ है, या ऐसे कर लो प्लस 1 हुआ है। यूजी हाँ, तो टी का है 20, एफ का होता है बच्चे प्लेस 6, तो 20 में प्लस 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 6 में प्लस 1 करेंगे तो 7 आएगा। तो 21 आता है यू पे ट्रेवल। और 7 पे आता है जी, तो आंसर इज यू जी। अंडरस्टैंड, समझ आई बात। तो जी प्लस 1, प्लस 1 लिखा हुआ, ठीक है, नोट करो इसको। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ई रेशियो 5 प्रोपोर्शन, जे रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब जो ई का रिलेशन 5 के साथ है, वही रिलेशन जी का किसके, जे का किसके साथ होगा, ये पूछा इसने, ठीक है। अब सोचो ई और 5 का क्या रिलेशन हो सकता है, बस वैसा ही सेम रिलेशन हम जे का फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ कोई नहीं, सर जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो, देखो ये क्या गिवन था, लेटर और नंबर, लेटर और नंबर का क्या रिलेशन हो सकता है। तो तब जब भी लेटर और नंबर आए ना, तो लेटर का प्लेस देखा करो। तो ई का प्लेस कितना होता है, मैंने लिखवाया था ना, याद करवाया था, 5, ई का प्लेस 5। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, ई का यहाँ प्लेस लिखा हुआ है, प्लेस ई का प्लेस लिखा है, तो जे का प्लेस कितना हो जाएगा, ये जो 10। तो टेन प्लेस हुआ बच्चे 10, तो आंसर इज 10। टेन हाँ जी, तो हमने क्या देखा, ई और 5 में रिलेशन था, प्लेस लिखा हुआ था, तो सेम हमने आगे अप्लाई कर दिया, प्लेस जे का प्लेस कितना होता है। सर मुझे आ गया सर, हमने एक वर्ड लिखा है और नंबर, सर हाँ, हमने ई की प्लेस। नेक्स्ट देखो बच्चे क्वेश्चन। देखो बच्चे बताओ क्वेश्चन, करो ट्राई, ठीक है, क्या आना चाहिए बताओ। सेंड आंसर इन चैट बॉक्स, कोई बोलेगा नहीं। मोस्टली क्वेश्चन एक एक बच्चे का ठीक था, उत्सव का, बाकी सबका गलत है, उत्सव को छोड़ के बाकी सबका गलत था। अभी उत्सव ने ठीक आंसर, रुद्रा गलत है, प्रणुर गलत है, देखो आंसर आयुष चेक करिए उसका, गलत है बच्चे। सर देखो माइनस मेरी बात सुनो, सर आयुष ओ प्लस होंगे। आयुष गलत है, बोल तो दिया, जिनिशा गलत है, देखो इसने लिखा है ओ क्यू, सर इसमें दो देखो प्लस मेरी बात होंगे। सुनो, यहाँ ए ए ए से सी आया, सी से एफ आया, तो ए आता है 1 प्लेस पे, सी आता है 3 प्लेस पे, तो 1 प्लस 2 3, या एक स्किप किया है बीच में, सी आता है 3 पे बच्चे, एफ आता है 6 पे, तो 3 प्लस 2 5, प्लस 3 प्लस 3 कितना होना चाहिए, 3 प्लस 2 कितना है, अभी 5, पर 3 प्लस 2 कितना है, 6। देखो यहाँ देखो, पहले बार हुआ है प्लस 2, नेक्स्ट टाइम हुआ है प्लस 3,
ठीक है। यस सर। तो यहाँ भी देखो इसमें क्या होगा, यस सर, प्लस टू होगा, अगले में क्या होगा प्लस थ्री होगा मुझे, तो एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, 13 प्लस टू 15, 15 पे ओ हुआ और 15 प्लस थ्री 18, 18 पे क्या होगा आर होगा, जिन बच्चों का ओ आर है उनका ठीक है, बाकियों का गलत है। सर मैंने वाजी का बताया और ठीक है भाई। देखो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखो D64 रेशियो 64 प्रोपोर्शन H रेशियो क्वेश्चन मार्क, D की वैल्यू 64 से किस तरीके से रिलेटेड है, उसी सेम तरीके से H की वैल्यू किसी तरीके से किस नंबर से रिलेटेड होगी। हाँ D का प्लेस 4 होता है ना, तो D का प्लेस 4 है, तो 4 और 64 में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 4 एंड 64, 4 से 64 क्या, क्यूब, हाँ क्यूब, इट्स 4 क्यूब, 4 का क्यूब है, तो h की वैल्यू की h किस प्लेस पे 8 पे, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, मैंने इसीलिए क्यूब स्क्वायर लिखवाए थे आपको याद करने के लिए, अब जिन बच्चे ने याद होगा तो याद ही नहीं होगा, लॉजिक कहाँ से आएगा, उसको पता ही नहीं 4 का क्यूब 64 होता है, तो लॉजिक तो माइंड में वैसे ही नहीं आएगा, अब जिन बच्चों को अच्छे से क्यूब याद है वो इजीली लॉजिक लगा देंगे, ठीक है नोट करो। नेक्स्ट देखो, अभी हमने लेटर सीख लिया, आप भी सीखते हैं नंबर, नंबर नंबर एनालॉजी, ठीक है। देखो चे नंबर में क्या होगा, नंबर्स गिवन होंगे, जैसे मैं लिख देता हूं 2:4 प्रोपोर्शन 3:, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमें ऑप्शन भी डिपेंड करता है क्या है, एक बार आंसर नहीं करना, ये समझाऊंगा अगले क्वेश्चन में आपको आंसर करना, ठीक है। ये ऑप्शंस गिवन है मुझे 20, 24, 21 और 9, ठीक है। अब देखो किसी बच्चे को लगता होगा 2 का डबल हुआ है 4 है, तो 4 ऑप्शन आएगा, प्लस नहीं किया बच्चे, देखो 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हो गया 9, क्योंकि अगर ये डबल होता है 2 का डबल 4 होता है, 3 का डबल 6, तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है ना, तो 6 नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसे ऑप्शन भी ध्यान रखना है, ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रखा था, स्क्वायर हो रखा था, ठीक है समझ आई ना बात, यस सर, यस सर, चलो नेक्स्ट लिखो, सीधा और कैसे उल्टा देंगे, सीधा ही देंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो रिलेशन बचे 49 और 81 का वैसे ही 64 के किसके साथ होगा ट्राई करो, और चैट बॉक्स में आंसर भेजना है, बोलना नहीं है इस बार काफी बच्चों का भी ठीक आ रहा है, श्रेया गलत है बच्चे, काफी बच्चों का ठीक है, वेरी गुड, बात सुनो मेरी, इसमें क्या बोला है इसने, इस बार बोला देखो 79 81, आपको अगर स्क्वायर अच्छे से याद होते हैं ना जो मैं लिखवाए थे, तो आपको नंबर देखते ही आपके माइंड में क्या आता है, 79 होता है 7 स्क्वायर, 81 होता है 9 स्क्वायर, और 64 होता है 8 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर लिखा, 8 का स्क्वायर मैंने स्किप कर दिया और 9 का स्क्वायर लिखा, ठीक है 8 के बाद मैंने 9 का स्क्वायर में स्किप करूंगा और 10 का स्क्वायर लिखूंगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो मैंने 7 का लिखा था तो 8 का स्किप करके 9 का अगला लिखा, या 8 लिखा हो तो 9 स्किप करके अगला क्या लिखूंगा 10 स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है जी, अलग था ओके बच्चे, सर वन मोर क्वेश्चन, हाँ देंगे नोट करो, देखो बाबू से मांग लो, बाबू नहीं ले है तो क्या नहीं है, क्या होगा बताओ, इस बार कुछ बच्चों का सही है कुछ का सर आयुष मिक्स आंसर आ रहा है, देखो मेरी बात सुन लो भी एक बार सारे, देखो 7 और 86 में क्या रिलेशन है, 7 8 56, अगर इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ रहा है 8 9 72, तो वो आंसर है, कुछ बच्चों ने मेरे को ना 90 आंसर किया, उनका आंसर जेन्युइन है, किस तरीके से जेन्युइन है, उन्होंने ये सोचा कि 7 से नेक्स्ट 8 होता है, 7 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से अगला नंबर 10 आता है, तो उन्होंने 9 into 10 कर दिया 90,
उनमें से ना या तो ऑप्शन में 72 होगा या 90 होगा, ठीक है। अगर ये एक ही लॉजिक लगेगा, ऑप्शन आंसर है 92, मतलब जो बच्चे 90 आंसर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, 90 आंसर में ही नहीं होगा, तो आपको कोई दूसरे तरीके से सोचना होगा। अगर 72 72 ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे, 92 वाला लॉजिक सोच, 90 वाला लॉजिक सोचोगे। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ता है कौन सा लॉजिक लगेगा, ठीक है, नोट कर लो। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। अब देयर अ बाय सर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे बच्चे करेक्ट आंसर इज 9। नाइन इज राइट आंसर। देखो देखो इस बार क्या हुआ है, 63 से 21 बना, तो किस इसका 3 टाइम डिवाइड कर दिया इसको, 63 को 3 से डिवाइड करोगे तो 21 आंसर आएगा। तो इसी तरह 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो 9, 9 से 27, तो आंसर इज 9, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया अगर इधर से देखोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 इंटू 3 63, तो किसके साथ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 9 बने, तो सॉरी 27 बने, तो 9 3 जा 27। मैंने 9 लिखा था, आपने नहीं बोला, 81 बोला था तू, 81 लिख रहा था, उसके बाद 9 लिखा था, 9 बन देते हैं, ठीक है भाई आंसर मुझे, ओके। तो आपकी ये चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा एनालॉजी, और आपको एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखी है, उसको कंप्लीट करो, ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ वर्कशीट ऑलरेडी भेज रखे हैं एनालॉजी की, कल मिलते हैं, बाय, हैव अ नाइस डे।